स्वागत तो करो हमारा। पांडे जी आ गए भैया। दबंग फोर को रोहित शेट्टी क्यों डायरेक्ट करने जा रहे हैं? सलमान खान ने क्यों कहा कि दबंग फोर की कहानी लिखी जा चुकी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सलमान खान की फिल्म दबंग साल 2010 में आई थी, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक। इसके बाद सलमान एक बार फिर करप्ट पुलिस वाले के रूप में साल 2012 में दबंग टू के जरिए फैंस के बीच नजर आए। दर्शकों से उन्हें दोबारा बेशुमार प्यार मिला, लेकिन इसके बाद उन्होंने फैंस को लंबा इंतजार करवाया और दबंग 3 के लिए पूरे 7 साल का समय लिया। लेकिन लगता है कि दबंग 3 के रिलीज के बाद सलमान खान अपने फैंस को दबंग 4 का इंतजार नहीं करवाना चाहते, इसीलिए दबंग 4 की स्क्रिप्ट पूरी की जा चुकी है और फैंस भी अभी से दबंग 4 की मांग कर रहे हैं। दबंग 3 ने अपने पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। सलमान खान पहले ही बता चुके हैं कि दबंग 4 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सलमान खान से जब पूछा गया कि इन दिनों फिल्म मेकर सिक्वल के लिए परेशान हो रहे हैं और आपने फिल्म का प्रीक्वल लाया, इसके जवाब में सलमान खान ने कहा, मेरे पास दबंग 4 की स्क्रिप्ट भी तैयार है। फिल्म के आइडिया पर बात करते हुए सलमान ने बताया कि कभी कभी एक फिल्म आपको दूसरी फिल्म का आइडिया दे देती है, जिस प्रकार से SS राजामौली की बाहुबली ने बाहुबली 2 का आइडिया दे दिया और इसी प्रकार से KGF ने KGF चैप्टर 2 का आइडिया दे दिया और इसी तर्ज पर क्रिश 4 के साथ क्रिश 5 का भी निर्माण किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है सलमान खान दबंग 4 के साथ दबंग 5 के बारे में भी सोच रहे हैं? अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो दबंग 4 को डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी। अब दबंग 4 की कहानी किस पुलिस अफसर को केंद्र में रखकर लिखी गई है, ये तो तभी पता चलेगा जब दबंग 4 रिलीज हो। लेकिन दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको दबंग 4 का इंतजार है? यदि इस फिल्म को प्रभु देवा डायरेक्ट करेंगे तो ये फिल्म कैसी होगी, और अगर रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे तो ये फिल्म कैसी होगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सलमान खान की फिल्म दबंग और दबंग 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। भाईजान के फैंस को दबंग 3 से भी कुछ इसी तरह की उम्मीद थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की और कहानी के नाम पर भी फिल्म ने दर्शकों को भारी निराश किया। एक समय था जब सलमान खान की फिल्में 300 से 400 करोड़ की कमाई कर लेती थी, लेकिन अब 200 करोड़ की कमाई को खींचना भी बेहद मुश्किल बात हो जाती। हालांकि 200 करोड़ की कमाई भी किसी फिल्म के लिए अच्छी है, लेकिन सलमान खान की फिल्म के लिए नहीं। रेस 3 से लेकर भारत और अब दबंग 3 के प्रदर्शन को देख कर लग रहा है कि बॉलीवुड से अब सलमान खान का दौर जल्द खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सलमान खान का दौर खत्म होता है तो उनकी जगह बॉलीवुड में कौन सा एक्टर लेगा? बॉलीवुड में वैसे तो बहुत से होनहार एक्टर हैं, रणवीर सिंह से लेकर रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल और शाहिद कपूर से वो सितारे जिनकी फिल्मों को लेकर दर्शक क्रेजी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की, जो सलमान खान को रिप्लेस करने वाले लिस्ट में सबसे ऊपर है। पद्मावत, गोलियों की रासलीला रामलीला, गली बॉय और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके रणवीर सिंह इन दिनों बॉलीवुड के टॉप एक्टर की लिस्ट में शुमार है। गली बॉय का किरदार हो या अजहरुद्दीन खिलजी, सभी रोल में रणवीर सिंह ने अपने दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म बैंड बाजा बारात से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म 83 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में रणवीर पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका अदा करेंगे। रणवीर की खास बात यह है कि वो किसी भी किरदार को अपने अभिनय से जान फूंक देते हैं, बेहद गंभीर हो वो अपने सभी रोल पर मेहनत करते हैं, यही वजह है कि मेकर्स भी उन पर दांव खेलते हैं। और दूसरा नाम आता है रणवीर कपूर का। रणवीर कपूर ने वैसे तो कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा है, लेकिन उनकी पिछली रिलीज फिल्म संजू तो वाकई शानदार रही। संजू ने 500 करोड़ की कमाई की और रणबीर कपूर को रातों रात बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया। रणबीर कपूर ने फिल्म रॉक स्टार में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू में रणबीर कपूर ने उतनी भूमिका अदा की थी। तीसरा चेहरा है आयुष्मान खुराना। कॉमेडी से लेकर गंभीर और रोमांटिक रोल हो,
आयुष्मान खुराना श्रेय पर्दे पर उसे बेहद संजीदा तरीके से पेश करते हैं। फिल्म अंधाधुन के लिए आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जो चौथा नाम है वो है विक्की कौशल। संजू लेकर फिल्म उरी में विक्की कौशल ने शानदार अभिनय किया। फिल्म उरी के लिए विक्की कौशल के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विक्की कौशल आज के दौर के अभिनेता है जो हर तरीके का किरदार निभाने में सक्षम है। और फिर चौथा नाम आ रहा है शाहिद कपूर का। उड़ता पंजाब से लेकर कबीर सिंह शाहिद कपूर की बम्पर हिट फिल्में हैं। शाहिद कपूर बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर में से एक है और कबीर सिंह उनकी हालिया रिलीज फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की है। और पांचवा नाम है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और वो है टाइगर श्रॉफ, जिनकी अभी बागी 3 रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन पांचों एक्टर में से कौन सा एक्टर है जो सलमान खान की कुर्सी पर बैठेगा। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के तहत दबंग 5 का निर्माण किया जाएगा। दबंग 4 से पहले दबंग 5 की कहानी लिखी जा रही है। क्या सुपरस्टार सलमान खान इस दबंग सीरीज से सभी को एक और बड़ा तोहफा देने वाले हैं कि वो हॉलीवुड के राह पर चल पड़े हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक दबंग 5 के बारे में और जानकारी नहीं आ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप दबंग 5 का कितना इंतजार कर रहे हैं।